गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं यूरिक एसिड टेस्ट की। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट क्या है। सीरम यूरिक एसिड के बारे में आज मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा कि ये क्या होता है, इसको किस लिए कराते हैं, कैसे कराते हैं, इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, इसके हाई होने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी आज बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यूरिक एसिड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो यूरिक एसिड है, ये बेसिकली जो भी हम फूड्स लेते हैं तो उसमें जो हमें प्रोटीन्स और जो एक प्यूरिन होता है वो जो हमें मिलता है उसमें फूड में, वो बेसिकली जब हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है तो वो यूरिक एसिड बन जाता है। तो प्यूरिन क्या है गाइस? प्यूरिन एक नाइट्रोजन कंपोनेंट्स है जो सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, बाकी सभी में पाया जाता है वो। तो ये जब जाके बॉडी में टूटता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये यूरिक एसिड बनता है। ऐसे ही गाइज, प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमीनो एसिड का कंपोजिशन है, और ये भी जब बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है तो यूरिक एसिड बनता है। ये और यूरिक एसिड रक्त के साथ बहके, ब्लड के साथ बहके जो हमारे किडनी तक जाता है, किडनी इसको फिल्टर करके बाहर कर देती है, यूरिन के थ्रू इसको बाहर कर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किडनी इसको जब ये ज़्यादा हाई मात्रा में बढ़ जाता है तो इसको फिल्टर नहीं कर पाती और ये वापस से ब्लड में चला जाता है और जाके हमारे जॉइंट्स में जो कि रह जाता है, जो जॉइंट्स में जाके जमने लगता है। ये इसके जो एसिड क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट्स में जाके जम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें क्या होता है, पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हमारी हील्स में पेन रहता है। ऐसे बेसिकली जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो हमारे हर जॉइंट में धीरे धीरे एक चुभन सी होती है, वो एक दर्द होता है। और फ्रेंड्स, जैसे हम कहीं ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो जब हम उठते हैं तो हमारे हील्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो यही गैस यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। और फ्रेंड्स, चलिए अब मैं बताता हूँ इसके पता कैसे करेंगे आपको, कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यूरिक एसिड के लिए आपको सीरम यूरिक एसिड की टेस्ट कराना पड़ेगा। ये आप लैब में जाके करा सकते हैं, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप इसको वैसे भी कभी भी जाके, इसकी कोई प्री कंडीशंस भी नहीं है, आप कभी भी जाके आप लैब में सैंपल दे सकते हैं और इसको करा सकते हैं गाइस। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो जो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 3.5 to 7 mg/dL तक होती है, और जो महिलाओं में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2.4 to 6 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, mg/dL तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है गैस। तो अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ता है तो फ्रेंड्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे गठिया जिसको हम गाउट बोलते हैं। गाउट बेसिकली सुनने में तो ऐसे लगता है कि गाउट गठिया से सभी वैसे जानते हैं, लेकिन गठिया का पेन तो उसी से पूछिए जो गठिया, जिस पेशेंट को गठिया हुआ है, क्योंकि गठिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमारी हर एक गांठ पेन करती है गाइस। तो इससे क्या होता है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो गठिया हो जाता है। ऐसे ही बेसिकली फ्रेंड्स आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसकी ज़्यादा हाई रहता है यूरिक एसिड आपका। और कई बार क्या होता है कि ये जब किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पाती है तो ये यूरिक एसिड, जब हमारी इंटरनल वॉल किडनी की डैमेज हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बेसिकली जो यूरिक एसिड है वो अंदर चला जाता है और उससे क्या होता है कि किडनी में स्टोन बन जाता है गाइस। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से बचने के लिए आप यूरिक एसिड टेस्ट करा लीजिएगा अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो। और फ्रेंड्स, इसके कारण क्या होते हैं बढ़ने के, बेसिकली ये बढ़ता क्यों है? फ्रेंड्स, इसकी जो कारण है, एक तो हमारे जो फूड्स वगैरह पे ही डिपेंड करता है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, ज़्यादा प्यूरिन वाले, ज़्यादा प्रोटीन वाले, ज़्यादा फैट वाले अगर प्रोडक्ट लेते हैं उनसे बढ़ता है। और दूसरा क्या होता है गाइस, ये बेसिकली उन लोगों का भी बढ़ जाता है जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करके वेट कम करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उस कंडीशंस में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ज़्यादा डाइटिंग पे चले जाना है, या जो लोग फास्टिंग या ब्रेथ वगैरह जो रखते हैं उनका भी गैस यूरिक एसिड बढ़ जाता है लंबी डाइटिंग पे जाने की वजह से। तो फ्रेंड्स, और दूसरा क्या होता है कि जो लोग डेली बेसिस पे पेन किलर ले रहे हैं या बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई
कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं तो इनमें भी क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक वालों की आम बात है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी मेडिसिन होती हैं डायबिटीज की वो मोस्टली यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास होगा, जिससे आपका बॉडी का जो यूरिक एसिड है वो रिमूव होता रहेगा। और गैज ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाले प्रोडक्ट लीजिएगा, जो विटामिन सी के फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो उनको ज़्यादा लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और नियमित आप एक्सरसाइज करिएगा, जिससे क्या है जो यूरिक एसिड है वो आपकी बॉडी में जमा ही नहीं होगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।